आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी, इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी महाराज का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से भी यही कहता कि गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया, उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। किशोरी, मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहां एक हफ्ता लग जाएगा, तो एक हफ्ते तक तो भगवान गणेश जी की सेवा पूजा करनी पड़ेगी, पर मुझे कुछ नहीं आता है, गणेश जी महाराज की सेवा कैसे करूं? ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है। तब ब्राह्मण कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहा। तब ब्राह्मणी बोली कि ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया, आप निश्चित होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा कर लूँगी। ठीक है, ब्राह्मण चला जाता है। इसके बाद ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठकर गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के आगे रख देती है। देखती है कि गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम हैं, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म होने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे गणेश जी महाराज, क्या आपने भोजन नहीं किया? भोजन में कोई कमी है? आपने तो अन्न का एक भी दाना नहीं खाया, क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन कृपा करके भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोच में पड़ जाती है कि मेरी भक्त बड़ी भोली और सीधी है, इसे मुझे दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये भूखी प्यासी रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान गणेश जी महाराज को देखकर बहुत खुश होती है। प्रभु प्रभु, आप आओ, मैं कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश जी महाराज को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश जी भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब यह हर रोज हो गया।
रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी भगवान के लिए भोजन बनाया करती। गणेश जी महाराज भी बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण शहर से वापस घर आ गया। ब्राह्मणी, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ की थी या नहीं की थी? तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ हाँ, बहुत अच्छे से गणेश जी महाराज की मैंने सेवा करी है। उन्होंने उन्हें तो मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन खा जाते थे। ओह ब्राह्मणी, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो कि जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते हैं। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ हाँ, यही सब कुछ होता था। गणेश जी महाराज मेरे हाथों से ही भोजन करते थे। अच्छा, अगर आपको विश्वास ना हो तो कल सुबह आप छिप कर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह भगवान गणेश जी महाराज को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब खिड़की से छिपकर देख रहा था। तभी भगवान गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह सब देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है और भागता हुआ घर में जाता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। हे गणेश जी महाराज, आप साक्षात मेरे घर पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, आपके पधारने से मेरा घर स्वर्ग हो गया। प्रभु, मैंने आपकी इतने सालों से सेवा करी, लेकिन कभी आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया? उन्होंने ही प्रदान किया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या प्रभु? तब गणेश जी महाराज बोले कि उठो ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा बहुत की, लेकिन कभी तुमने मुझे भावपूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी दिए। मुझे पता था कि तुम पीछे छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन धाने की कमी नहीं होगी। तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह देखकर गणेश जी महाराज अर्धदर्शी हो जाते हैं। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक सुंदर बालक जन्म लेता है और उनका घर धन धान्य से संपन्न हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।